हाय फ्रेंड्स, आई एम रश्मि, वेलकम टू माय चैनल। लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा जो हम बाजार की चीजें मिस कर रहे हैं उसमें से एक चीज है चाट, पापड़ी चाट, आलू चाट, समोसा चाट, डिफरेंट तरह के चाट। तो चलिए आज मैं आप लोगों को घर पे ही काफ़ी टेस्टी, हाइजेनिक और हेल्दी चाट बनाना बता रही हूँ। ये चाट देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये चाट बनाना काफ़ी इजी है, तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पापड़ी चाट की रेसिपी। पापड़ी चाट की रेसिपी के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे आलू की टिक्कियाँ। उसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके मैश कर लिए हैं। उसमें मैं मिला रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा प्याज, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन और रेड चिल्ली का पेस्ट मिला रही हूँ, जिसमें अदरक लहसुन इक्वल क्वांटिटी में है। मैं यहाँ पर कुछ करी पत्ते बारीक तोड़ कर डाल रही हूँ। आपके पास यदि धनिया पत्ते हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन सभी को मिलाकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इनके छोटे छोटे बॉल बनाकर इन्हें पेड़े के शेप में बनाएंगे और इसकी आलू की टिक्कियां बनाएंगे। इस तरह मैंने सभी टिक्कियां बना लिए हैं। अब एक पैन में मैंने थोड़े से 1 से 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं और इसे मीडियम हीट पर गर्म करके इसमें हम अपनी सभी आलू की टिक्कियों को दोनों तरफ से सेल फ्राई कर लेंगे। हमें अपनी टिक्कियों को दोनों तरफ से गोल्डन कलर के होने तक फ्राई करने हैं। ये देखिए, हमारी टिक्कियाँ इस तरह से गोल्डन फ्राई और क्रिस्पी होनी चाहिए। इस तरह से हम हमारी सभी टिक्कियों को दोनों तरफ से फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम हमारी चाट के लिए पापड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदे में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाला है। साथ में इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है और 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाला है। अब इन सभी को हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट डो गूंथ कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारा एक सॉफ्ट सा डो रेडी हो चुका है। अब हम इस डो के मीडियम साइज के पेड़े बनाएंगे और इन सभी पेड़ों को हम हल्का ऑयल लगाते हुए काफी पतला पूरी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए, इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए पतली। अब इन सभी को मैं एक छोटे ग्लास के हेल्प से या फिर आप कोई ढक्कन भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से गोल गोल पूरियों के जैसे काट लेंगे। साइड के लेयर्स को हम हटा देंगे। इसी तरह हम सभी पूरियों को बेल, सभी लोइयों की पूरियां बेल लेंगे और उसके ऊपर एक फोक के हेल्प से इस तरह से दोनों तरफ से छेद कर लेंगे ताकि ये पूरियों की तरह फूल नहीं जाएं। अब मैंने एक पैन में वेजिटेबल ऑयल मीडियम हीट पर गर्म किया है और हमारी सभी पूरियों को यानी पापड़ियों को हम दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम रखते हुए गोल्डन एंड क्रिस्पी कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। आप आलू की टिक्कियों और इन पापड़ियों को पहले से भी फ्राई करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी पापड़ी दोनों तरफ से गोल्डन एंड क्रिस्पी होकर रेडी है। हम इसे निकाल कर एक जगह रख लेंगे। अब मैंने एक बोल में 2 कप गाढ़ी दही ली है। इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा काला नमक डालूंगी और मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब इन सभी को मैं एक बीटर या चम्मच की हेल्प से मिक्स करते हुए एक काफ़ी ही स्मूथ दही रेडी करूंगी। ये देखिए, इस तरह हमारा एक स्मूथ टेक्सचर रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपने चाट को असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्लेट में रख रही हूँ कुछ पापड़ी। आप अपने
इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ 4 से 5 पापड़ी रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं हमारी बनाई हुई आलू की टिक्कियाँ रख रही हूँ। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कुछ बॉयल किए हुए काबुली चना। इसके जगह आप काले चने भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपनी इच्छा के अनुसार टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके ऊपर से मैं डालूंगी कुछ स्प्राउटेड मूंग, जो कि मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। साथ में इसके ऊपर डाल रही हूँ कुछ कटे हुए बारीक प्याज। उसके बाद कुछ कटे हुए वाटरमेलन्स। आप वाटरमेलन्स के जगह टोमेटोज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़े से रोस्टेड पीनट्स यानी मूंगफली। इससे हमारे चाट काफ़ी क्रंची टेस्ट आएगा। साथ में थोड़े से रेड चिली पाउडर और इसके ऊपर से मैंने हमारी ये फेंटी हुई मीठी दही डाल रही हूँ। दही की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन चाट बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं होना चाहिए। साथ में मैं डाल रही हूँ ग्रीन चटनी और इसके साथ ही हम इसके ऊपर से डालेंगे इमली की चटनी। ग्रीन चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी मैंने आपको हमारे दही बड़े की रेसिपी वाले एपिसोड में बताई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दे रही हूँ। आप वहाँ से उसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं। साथ में इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ कुछ अनार के दाने फिर से गार्निशिंग के लिए। इसके ऊपर से कुछ सेव यानी कि भुजिया। आप चाहे तो कुछ पापड़ी भी क्रश करके फिर से डाल सकती हैं ऊपर में। अब मैं हमारी चाट के चारों तरफ कुछ अलग से पापड़ियाँ ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी सी और अनार गार्निशिंग के लिए। तो ये लीजिए हमारा काफ़ी यमी हेल्दी एंड हाइजीन चाट, पापड़ी चाट खाने के लिए रेडी है। तो आप भी इसे घर पर बनाइए, अपने फैमिली के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ताकि फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग अपने फैमिली के साथ घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।